हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंड लाइन स्टॉक्स। और देखिए 28 जुलाई 2020 को आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि देखिए आप लोग जानते ही हैं कि जून क्वार्टर का सारी कंपनीज शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज कर रही हैं और धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि किस एचएनआईज ने, किस इन्वेस्टर ने किस स्टॉक के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या फिर एक नई हिस्सेदारी बनाई है। इसी सीरीज के अंदर करूर वैश्य बैंक, जो एक स्मॉल कैप बैंक है जिसके अंदर ऑलरेडी बिग बुल राकेश झुंझुनवाला का काफी बड़ा स्टेक है, लगभग 4.2% का, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 4.2% से बढ़ाकर 4.3% कर लिया है। ऐसा उस शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग निकल के सामने आया है। देखिए आज से ठीक एक साल पहले की अगर मैं बात करूं तो करूर वैश्य बैंक 64 रुपए के ऊपर ट्रेड किया करता था, जो आज लगभग 30 रुपए के आसपास ही आ चुका है। अगर हम पिछले क्वार्टर्स की इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हर क्वार्टर के अंदर ये काफी अच्छा प्रॉफिट इसने दर्ज कराया है, लेकिन पिछले कई सालों से अगर इसकी टॉप वैल्यूज देखें तो वहां से ये काफी ज्यादा शेड ऑफ हो चुका है। लेकिन इतने बड़े एचएनआई का इस स्टॉक के अंदर, इस स्मॉल कैप बैंक के अंदर इतना बड़ा निवेश होना भी अपने आप में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाता है। तो क्या इस स्टॉक में आगे का फ्यूचर रहने वाला है और क्या हम इसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये डिसीजन लेने में मदद मिल पाएगी कि इस स्टॉक के अंदर आप भी कोई पोजीशंस बना सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले सीधे आपको उस आर्टिकल के ऊपर लेके चलता हूं जहां पर ये सारी डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा किस म्यूचुअल फंड्स और कितनी कंपनीज ने इसके अंदर स्टेक ले रखा है, मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का भी आपको सारा डेटा पता लगेगा वहां पर। तो देखिए लाइव मिंट के आर्टिकल पे मैं आपको लेके आया हूं सीधे, और यहां पर आप देखेंगे कि राकेश झुंझुनवाला हाइक्स स्टेक इन करूर वैश्य बैंक। एंड यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा म्यूचुअल फंड्स हैं देखिए जिन्होंने 17% का स्टेक इस बैंक के अंदर ले रखा है। मैंने आपको एक चीज जरूर बताई वीडियो की स्टार्टिंग में कि इसने कई पिछले कई सालों में अपनी वैल्यूएशंस को बहुत जबरदस्त तरीके से खोया है, शेड ऑफ किया है, बट उसके बावजूद भी देखिए 17 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इसके अंदर पैसा लगा रखा है। म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स की राय के बाद में, उनके पास में काफी बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी जो डीप रिसर्च एनालिसिस होती है अकॉर्डिंग टू, बेस्ड ऑन दैट बेसिकली वो चूज करते हैं कि किस स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है। चलिए आगे मैं इसमें दिखाता हूं। एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला हैज इंक्रीज हिज स्टेक इन प्राइवेट लैंडर करूर वैश्य बैंक, शोज द लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द बैंक। तो यहां पर देखिए क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने 4.5% कर लिया है जून क्वार्टर में, जो पहले 4.2% था मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग। यहां पर एक चीज इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताई है कि देखिए 17% म्यूचुअल फंड्स का भी स्टेक है यहां पर, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs की बात करें तो 21.11% है। हर आंकड़ा अगर आप देखें, म्यूचुअल फंड्स, HNIs और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यहां पर जबरदस्त अपनी पोजीशंस बनाए हुए हैं। ये ऑलरेडी इस आर्टिकल में मैंने आपको दिखा दिया है, हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शेयर करूंगा आप लोगों के सामने। अभी मैं आपको आके दिखाता हूं, देखिए शेयर्स ऑफ करूर वैश्य बैंक वर अप टू 0.8% टू 30 रुपीज 50 पैसा ऑन BSE टुडे एज कंपेयर टू 0.4% डिप इन सेंसेक्स। देखिए यहां पर जो बात हो रही है, मैं आपको डेट दिखा देता हूं, ये डेट है बेसिकली 27 तारीख की, जब 0.8% यहां पर करूर वैश्य बैंक ऊपर था और सेंसेक्स लगभग 0.4% डिप के साथ कामकाज कर रहा था। द बैंक शेयर हैव रिबाउंडेड शार्पली फ्रॉम इट्स 52 वीक लो ऑफ 18 रुपीज 15 पैसा हिट इन मार्च अर्लियर दिस ईयर। इस मार्च में, मार्च 2020 में 52 वीक लो इस बैंक ने लगाया था 18 रुपए 15 पैसे का, एक पैनी शेयर ये बिल्कुल बन गया था, और वहां से इसने रिगेन किया है और बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है। 30 रुपए 31 रुपए के आसपास ही अभी यहां पर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ रही है, द बैंक हैड रिपोर्टेड 39.5% जंप इन नेट प्रॉफिट एट 83.70 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 2020। मार्च 2020 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 40% बढ़ गया था, 40% यहां पर इंक्रीज हुआ था, जो कि 83.70 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो बेसिकली पिछले क्वार्टर से काफी ज्यादा था, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने 60 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट दर्ज कराया था। यहां पर बात हो रही है पिछले साल की, मतलब जून मार्च क्वार्टर 2019 में, यानी कि वाई ऑन वाई बेसिस पर यहां पर काफी अच्छा जंप इनको देखने को मिला था। आगे लेके चलता हूं, देखिए इनकम ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू रोज टू 1,803 करोड़ फ्रॉम 1,746 करोड़ इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2018-19। वाई ऑन वाई बेसिस पर बैंक की इनकम भी यहां पर काफी अच्छी तरह जंप हो गई थी, 1,746 करोड़ से 1,803 करोड़ की इनकम यहां पर देखी गई थी रिजल्ट्स में, जो मार्च 2020 के रिजल्ट्स इन्होंने पेश करे थे। तो ये देखिए सारी की सारी डिटेल्स इन्होंने बेसिकली दी हुई हैं।
अब देखिए सीधे मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर क्या है। उससे पहले आपको एक न्यूज और बताता हूँ, 9 जुलाई को इस बैंक ने टाटा मोटर्स के साथ में एक पार्टनरशिप करी है टू ऑफर कार लोन्स एट अट्रैक्टिव टर्म्स। देखिए लोगों को बेसिकली अट्रैक्टिव टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कार लोन ऑफर किए जाए, इन्होंने उसके लिए एक टाटा मोटर्स के साथ में टाई अप भी किया है। ये नोटिफिकेशन है 9 जुलाई 2020 का, जिसके अंदर देखिए अट्रैक्टिव ऑफर्स फॉर कस्टमर्स में क्या है, स्पेशल स्कीम फॉर टाटा मोटर कस्टमर्स फॉर पैसेंजर कार्स, 100% ऑन रोड फंडिंग विद 6 मंथ हॉलीडे पीरियड। ये बहुत बड़ी चीज है, 100% ऑन रोड फंडिंग इन्होंने कही है विद 6 मंथ हॉलीडे पीरियड, ये यहाँ पर फैसिलिटी है। दूसरी बात देखिए, लोन्स फॉर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है, रीपेमेंट पीरियड अप टू 60 मंथ से 5 सालों का, एट्रैक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पर ये स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है। तो यानी कि अगर अब आप टाटा मोटर्स की गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हो तो वहां पर आपको उनके शोरूम पर वहां पर देखिए करूर वैश्या बैंक का भी एक ऑफर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसको आप अवेल करके आसान किश्तों में या फिर आसान अट्रैक्टिव टर्म्स के साथ में लोन उठा सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, और शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए मैं बीएससी की साइट पर आया हूं और शेयर होल्डिंग पैटर्न को, पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहां क्लिक करता हूं आपके सामने, सो दैट कि पूरा मेरे पास में ये पैटर्न खुल जाए। देखिए जून क्वार्टर एंडेड 2020 का ये लेटेस्ट पैटर्न है जो कंपनी ने अभी बैंक ने अभी रिलीज किया है। यहां पर अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा उन म्यूचुअल फंड्स के नाम जिन म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पैसा लगा रखा है। इसमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, फ्रैंकलिन टैम्पटन का म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी का म्यूचुअल फंड है, उसके बाद रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी का भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है। बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पर आपको स्टेक दिखाई देगा, 4.69, 4.48, 4.03 ऐसे स्टेक इन म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर लिए हुए हैं। FIIs की बात करेंगे, देखिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बिहेव फंड जो है उन्होंने यहाँ पर 1.65% का स्टेक लिया हुआ है, ओलंपस इंडिया ने यहाँ पर 2.92% का स्टेक लिया हुआ है। इस तरीके से काफी सारी कंपनीज हैं जो FIIs है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है उन लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छा स्टेक ले रखा है। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूं देखिए इंश्योरेंस कंपनीज की, तो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर 1.88% का स्टेक ले रखा है, इनके पास भी इसका स्टेक है। यहां आप इसको बेसिकली इस बात को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इस बैंक ने भले ही अपनी वैल्यू को शट ऑफ किया उसके बावजूद भी कितना दमखम ये रखता है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का भरोसा इस बैंक के ऊपर है कि आने वाले टाइम में ये जरूर अच्छा करके दिखाएगा, तभी इतनी क्वांटिटीज उन्होंने यहाँ पर स्टेक ले रखा है। अब मैं आपको देखिए बात बताता हूं हमारे यहाँ के HNIs की, यानी कि हाई नेटवर्क इनकम इन्वेस्टर्स जो है उनकी मैं बात कर रहा हूं। उनमें नाम आता है सबसे पहले झुंझुनवाला राकेश राधेश्याम, यानी कि राकेश झुंझुनवाला जी की यहाँ बात हो रही है, 4.5% का भारी भरकम स्टेक यहाँ पर है। अगर मैं इनकी शेयर्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पर 3 करोड़ 59 लाख शेयर से भी ज्यादा का स्टेक इनके पास में इस बैंक के अंदर है। दूसरे नंबर पर आशीष धवन जी आते हैं जिनके पास में यहाँ पर 2.45% का स्टेक है और उनके पास में 1.96 करोड़ से ज्यादा शेयर्स इस बैंक के हैं। तो ये दो HNIs हैं हमारे इंडिया के जिन्होंने भारी भरकम मात्रा में अपना स्टेक यहाँ ले रखा है, जिसके अंदर से राकेश झुंझुनवाला जी ने तो अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है प्रीवियस स्टेक के मुकाबले। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और बेसिकली आज इसमें कैसा काम हो रहा है 28 जुलाई 2020 को 11:55 हुए हैं वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, यहां पर मेरे पास में 11:52 तक का सारा डेटा आ गया करूर वैश्य बैंक का, 31.25 रुपए के ऊपर लगभग 3% ऊपर है अभी शेयर। ये देखिए इस न्यूज का इम्पैक्ट इस पर पड़ा है और ये काफी अच्छा उछाल इसने 2 दिन के अंदर इसने हमें दिखाया है। आगे आपको बताता हूँ 66 रुपए का देखिए इसका अभी 52 वीक हाई है 29 जुलाई 2019 का, मैंने जैसे आपको बताया था एक साल पहले 65-66 रुपए का मिल रहा था, 52 वीक लो 18.75 रुपए का 24 मार्च को इसने लगाया था। अभी की डिलीवरी पोजिशन आपको दिखाता हूँ, क्वांटिटी ट्रेड है 9,28,000 शेयरों में, डिलीवरी क्वांटिटी 6,25,418 शेयरों की अभी दिखाई दे रहा है, जिसके हिसाब से 67.36% की यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है।
अगर देखिए ये चीज दिखाना बहुत जरूरी होता है कि बैंक ने किस तरीके से रिटर्न्स दिए हैं पिछले काफी सालों में। यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया कितने बड़े बड़े लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितने बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर पैसा लगा रखा है, इंस्टीट्यूशंस ने पैसा लगा रखा है, लेकिन हकीकत से हमें कभी दूर नहीं रहना चाहिए। और हकीकत क्या है वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि करूर वाइसिया बैंक ने पिछले कुछ टाइम फ्रेम के अंदर किस टाइप से रिटर्न्स यहाँ पर लाके दिए हैं इन्वेस्टर्स को, वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि उससे ही आइडिया मिलेगा। मेरा सिर्फ देखिए कोई रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता किसी भी वीडियो को बनाते हुए कि आप उस स्टॉक के अंदर पैसा लगाएं ही लगाएं। मैं आपको नॉलेज देता हूं, अपना जो एनालिसिस है वो बताता हूं और मेरा क्या राय होती है वो आपको आपके सामने रख देता हूं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही होता है कि आपको उस स्टॉक के अंदर पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, क्योंकि अंत में जो देखिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी आपसे ही जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको बेसिकली सारी चीजें डिटेल में दिखाऊं सो दैट कि आप इजीली उसके ऊपर डिसीजन ले पाएं। एक दिन का मैंने आपको बता दिया, देखिए लगभग 3% के आसपास ही ऊपर है। अब एक हफ्ते के टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक वीक के टाइम फ्रेम पर देखिए लगभग 1.89% डाउन है करूर वैश्या बैंक। एक मंथ की बताऊं तो लगभग 15% डाउन है करूर वैश्या। YTD ईयर टिल डेट की बताऊं 48% यहां पर इसने अपनी वैल्यू को शेड ऑफ किया है। एक साल की मैं बात बताऊंगा तो एक साल के अंदर देखिए 52% से ज्यादा यहां पर वैल्यू खो चुका है। तीन साल की अगर मैं बात बताऊंगा तो तीन साल के अंदर देखिए यहां पर 74% के आसपास यहां पर वैल्यू शेड ऑफ हो चुकी है। तीन साल पहले की बात करें 134 रुपए का शेयर आज आपके सामने 31 रुपए पे आ गया है। और लंबी प्रोफाइल देखेंगे एक वाइड टाइम फ्रेम के अंदर 10 साल में तो करूर वैश्या बैंक ने आपको यहां पर दिखाई देगा 45% की यहां पर अपनी वैल्यू वो खो चुका है 10 साल के पीरियड के अंदर, जबकि सेंसेक्स वहां पर आपको 112% की पॉजिटिव रिटर्न के साथ में यहां पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए सारे ही टाइम फ्रेम्स पर यहां पर ये एक नेगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी जब भी आप इसके अंदर कोई भी पोजिशन बनाए, क्योंकि ये स्टॉक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर मोमेंटम बहुत लो रहता है, वॉल्यूम्स बहुत लो रहते हैं, वोलेटिलिटी भी कोई खास यहाँ पर नहीं होती है। ये स्टॉक केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, लेकिन इसकी प्रोफाइल भी मैंने आपको दिखा दी है रिटर्न्स की। अब मैं आपको देखिए इसके चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं और वहां पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये है करूर वैश्य बैंक का वन डे का चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ लगाया है, और अगर आप इसकी थोड़ी लंबी प्रोफाइल देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये स्टॉक कितना जबरदस्त तरीके से अपनी वैल्यू को खो चुका है। एक लंबे पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये कब का हमें दिखाई दे रहा है इसके हाई लेवल 2016 में ये स्टॉक 491 रुपीज के आसपास का हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है करूर वैश्य बैंक, जो गिरा बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर, और उसके बाद में लगातार इसने डाउन ट्रेंड ही दिखा रखा है। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ग्रीन लाइन है, उसके नीचे ही हमेशा ये ट्रेड करता हुआ नजर आया है, और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसने हमेशा एक डाउन ट्रेंड ही अपना के रखा हुआ है। और खासतौर उसमें आप देखेंगे कि देखिए 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग लाइन जो है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करती है लॉन्ग टर्म में। आप देखिए जब भी इसने 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश करी है तो वहां पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस करके और ये नीचे आ गया है। कहीं पर भी आप देख लीजिए यहाँ पे आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि रेड लाइन जो आप देख रहे हैं रेड लाइन है 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली, और जब जब इसने देखिए इसको क्रॉस किया है उसको ये क्रॉस कर पाया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही फिर इसने एक डाउन ट्रेंड भी दिखा दिया और इसके अंदर एक गिरावट देखी गई है। तो ये बेसिकली इसका एक स्ट्रक्चर रहा है काफी टाइम से जो मैंने आपको इसमें यहाँ पर बताने की कोशिश करी, और अभी की मैं पोजीशन आपको बताऊं तो वापस से ये ऑलमोस्ट 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही क्रॉस करके फिर वापस से नीचे का ही देखिए ट्रेंड फॉलो कर रखा है। और अभी RSI की इसकी बात बताऊं तो देखिए RSI इसके अंदर 49 पॉइंट्स के ऊपर है, और एज पर द डायरेक्शन तो ये चीज दिखाई दे रही कि इसके अंदर अभी मोमेंटम आ रहा है। तो ये जो बेसिकली न्यूज अभी मार्केट में आई है 3-4 दिन पहले की एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी ने इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाया है, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अदरवाइज देखिए अभी इस स्टॉक में मुझे चार्ट्स के ऊपर कोई खास जान नजर नहीं आ रही, और इनके रिजल्ट्स आने आ जाएं एक बार फर्स्ट क्वार्टर के, उसके बाद ही पता चलेगा कि जो कोरोना का इम्पैक्ट है वो इस छोटे से बैंक पर क्या कुछ असर डालता है, तो वो चीज देखने वाली होगी। हालांकि अगर आप इस स्टॉक के अंदर जगह कुछ भी बनाना चाहते हैं तो देखिए ये अभी अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर कामकाज कर रहा है और इसको तोड़ के ये नीचे आ चुका है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर बेसिकली अगर इस स्टॉक के अंदर आप पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि इस स्टॉक के अंदर आपको काफी अच्छा टाइम देना होगा। अगर आप इसके अंदर टाइम देते हैं तो ये स्टॉक पैसे कमा सकता है।
तो एक पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया कि कितने लोग यहाँ पर बेसिकली पैसा स्टेक लिए हुए हैं, और एक मैंने आपको दूसरा इंपैक्ट भी दिखाया, इसका दूसरा फेस भी दिखाया इसी स्टॉक का, कि ये स्टॉक ने लगातार एक डाउन ट्रेंड को फॉलो रखा है और किस तरीके से वैल्यू को शट ऑफ करता हुआ आ रहा है। तो एक एक्सपेक्टेशन तो देखिए की जा सकती है उन लोगों के ऊपर भरोसा करके, उनकी स्टडी के ऊपर भरोसा करके जो बड़े बड़े एचएनआईज एंड एफआईआईज ने यहाँ पर पैसा लगा रखा है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ टाइम देना पड़ेगा कम से कम 1 से 1.5 साल का, तभी देखिए आपको इसके अंदर कुछ रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। बहरहाल अगर इसके अंदर कोई भी अपट्रेंड आना है तो वो डिसाइड करता है कि ये 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आने के बाद में यहाँ पर टिकने में कामयाब हो जाए तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपट्रेंड में आ सकता है। अदरवाइज अब तक जो इसका इतिहास है वो यही है कि ये रेड कलर की जो लाइन देख रहे हैं आप, इससे बहुत हैवी रेजिस्टेंस इसको फेस होता है हमेशा, और ये गिर के नीचे आ जाता है। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट में भी इसका बता रहा हूं। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को आप कैसे देखते हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।